दसरा संपला की दिवाळीची चाहूल लागते. या दीपोत्सवासाठी सगळेच अगदी सज्ज असतात. सुखसमृद्धीचं प्रतीक असलेला हा सण साजरा करताना घरात, अंगणात आणि गच्चीवर लोकांकडून दिवे लावले जातात. त्यासाठीच मातीचे दिवे अर्थात पंत्या तयार करण्याची लगबग सुरू झाली आहे. एकीकडे बाजारात LED दिवे आले असले तरी मातीच्या दिव्याला ग्राहकांची जास्त पसंती आहे. यावर एका व्यापाऱ्याने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. कम से कम मेरे तरफ 100 डिजाइन का दिया मिलता है, 100-150 डिजाइन, पेंटिंग से लेके अगर सादा में चीनी मिट्टी सिरामी वो सब हर एक प्रकार का दिया मिलता है. नहीं वो LED दिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मिट्टी वाला दिया जो है वो बिकता है, जितना मेरा सेलिंग है उतना ही सेलिंग हो रहा है. उससे अधिक बढ़ा है 10-20%, मगर कम नहीं हुआ. नहीं कम नहीं, पीछे से परीक्षा से अभी ये साल का माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा चल रहा है. दिए लेने तो पूजा ये पूरा रावलपाड़ा, धैसर, बोरोवली, ये पूरा मार्केट का ही, कांदीवली का ही आता है. यहाँ व्यापारी लोग, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं वो खरीदते हैं. जैसे रोड पर लोग जो लगा कर बेचते हैं वो लोग भी आते हैं, जो पूजा के दुकान में बेचते हैं वो भी लाते हैं, हाथ गाड़ी वाले भी आते हैं. यहाँ होलसेल का ही धंधा है. हाँ अभी आते हैं, दिवाली तक ही आते रहेंगे. ऐसे जो ऐसे गणपति भसान हुआ हम लोग का, दिवाली का व्यापारी होलसेल वाले चालू हो जाते हैं. लमसम व्यापार तो, व्यापार का तो कोई अगर ठिकाना नहीं है. जैसे मान लीजिए जैसे व्यापार आज 10 आए तो कल 2-4 आते हैं, परसों 2-4 आते हैं, जैसे 10-20 हजार तो दिया सेल होते करते हैं. त्यामुळे मातीच्या दिव्यांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. सध्या बाजारात वेगवेगळ्या आकाराचे रंगीबिरंगी दिवे दाखल झाले आहेत, तर दुसरीकडे ग्राहकांकडून त्यासाठी खरेदीची लगबग देखील सुरू झालेली आहे. त्यामुळे मंडळी, या दिवाळीला तुम्ही कोणते दिवे खरेदी करणार आहात कमेंटमध्ये आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर यासारखे नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी फॉलो करा लेट्सअप मराठीला. त्याचबरोबर आमच्या लेट्सअप मराठीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.